बढ़िया इसको बना दिए पराठे को लग नहीं रहा कि पराठे जैसे कि हेल्दी पराठा है। हाँ, हेल्दी ये शिमला मिर्च कौन डालता है? दो खा ले, दो कल स्कूल के लिए पैक कर दूंगी। हाय फ्रेंच फ्राइज एंड डॉल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गॉर्जियस पोटैटो यानी कि करण सरीन। पिछली वीडियो में मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आपने इस बार डॉल्स नहीं बोला, एक्चुअली दो तीन लोगों ने ही बोला, बट यार मेरे लिए बहुत है कि तुम लोग इतना प्यार से और इतना ध्यान से मेरी वीडियोस देख रहे हो और ऐसी चीजें नोटिस कर रहे हो। तो थैंक यू डॉल्स एंड फ्रेंच फ्राइज, यू नो हु यू आर, थैंक यू सो मच। आई नो हम लोग मतलब यूट्यूब पे इसे स्लो स्लो जा रहे हैं, बट लाइक लिटिल लिटिल सपोर्ट ऑल्सो दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू गाइज इज अमेजिंग। तो आज मैंने सोचा एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, ऑब्वियसली अपने व्यूज के लिए भी। बट या सो टुडे आई एम मेकिंग द स्ट्रीट स्टाइल वायरल पराठाज। आई एम श्योर आप लोगों ने भी मेरी तरह रात को 3-3 बजे स्क्रोल करते हुए इंस्टा और फेसबुक वो देखी हैं वीडियोस जिनमें वो सूरत की आंटियां पराठे बनाती हैं जिनमें लोडेड चीज और मेयोनीज होता है। ऊपर से और चीज आ गई है। आई डोंट नो, कितना भी हेट कर लो चीज और मेयोनीज को, बट रात को 3 बजे तो ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा सा मिल जाए। या आई थॉट आई विल मेक दैट रेसिपी फॉर यू गाइज एंड आज हम वही बनाने वाले हैं। बस आज मैंने कुछ खास मेकअप करने का मेरा मूड नहीं था तो मैंने ब्लैक कपड़े पहन लिए, बिकॉज ब्लैक कपड़ों में आई बिलीव मैं तो इतना फबता हूँ सजता हूँ कि मुझे जरूरत ही नहीं है मेकअप की इसमें। सो अपनी ब्यूटी का बखान कर लिया मैंने, अब हम चलते हैं वायरल पराठा बनाने की तरफ। ओके, तो ये पराठा बनाने के लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रख लिए हैं पहले से ही, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत लिटिल लिटिल चॉपिंग करनी थी, थोड़ा सा पनीर निकालना था, और मैंने सब कुछ ना बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज में ही करा है क्योंकि हमें एक पराठा बनाना है और मुझे वेस्टेज नहीं करनी है। तो आई हैव टेकन दिस बोल जिसके अंदर मैं सारी मिक्सिंग करूँगा, जो अंदर की स्टफिंग है पराठे की वो बनाऊँगा। तो सबसे पहले आई हैव टेकन आलू का मसाला जो बेसिकली आलू के पराठे में डलता है, मतलब जहाँ से हम लोग का पराठा फिनिश हो जाता है वहाँ से इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा आलू का मसाला, ये कल का लेफ्ट ओवर था तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली मसाला बनवाना नहीं पड़ेगा या बनाना नहीं पड़ेगा, आई माइट एज़ वेल जस्ट यूज दिस। सेकेंड इज पनीर, मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था। देन वी हैव शिमला मिर्च एंड बीटरूट, ओप्स, दो बहुत ही अनयूजुअल सब्जियां टू पुट इन पराठे, बट दीज गाइस ऑलवेज ऐड बीट्स, डाल दी शिमला डाल दी ऐसे बोल के ये लोग डाल देते हैं, तो लेट्स ट्राई, यही तो फन है कि कैसे होगा। माय ओनली प्रॉब्लम इज कि शिमला मिर्च मैश नहीं होती बाकी वेजिटेबल्स की तरह, जो यूजुअली पराठे में डल जाते हैं ना उसको कद्दूकस कर सकते बिकॉज हलवा सा बन जाएगा उसका, तो वो बेलते हुए पराठा फटे ना वहाँ से, दैट्स माई ओनली कंसर्न, बट अब तो मैंने डाल दिया। अब बारी आती है मसालों की। सबसे पहले मसालों से पहले मुझे एक चीज़ जो डालनी है हर ऑलमोस्ट हर वीडियो में जो मैंने देखी है, दैट इज़ शेजवान सॉस। तो मैंने ये ऑलमोस्ट एक ही चम्मच वैसे डाल दी। पराठा थोड़ा सा बीटरूट और वगैरह की वजह से हेल्दी लग रहा है, इसको थोड़ा सा अनहेल्दी करते हुए इसमें डालेंगे हम मेयोनीज। बाय द वे ये मैं स्ट्रिक्टली रेसिपी फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, ये मत सोचना कि मैंने मेयो क्यों डाली, मैंने चीज़ क्यों डाला, मैं बस उनकी रेसिपी ही फॉलो कर रहा हूँ। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने पहले बता दिया, दैट इज चीज़। तो द थिंग इज कि ना अ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि इतना चीज़ क्यों डालते हैं ये लोग, इतना चीज़ क्यों डालते हैं ये लोग, एंड आई लव चीज़ पर्सनली, बट इतना तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाता एक टाइम पे, बिकॉज हर चीज़ में कभी पानी पूरियों में गोलगप्पों में चीज़ डाल रहे होते हैं, कभी छोले कुलचे में चीज़ डाल रहे होते हैं, आई मीन सम थिंग्स आर लेफ्ट शुड बी लेफ्ट लाइक दे नीड टू बी। द ओनली थिंग इज दैट यू नो दुनिया हैज़ बिन वेरी ऑब्सेस्ड विद चीज़ फॉर अ लाइफ टाइम। आई स्टिल रिमेंबर जब हम बच्चे होते थे चीज़ बर्गर खाना, किसी चीज़ में भी चीज़ डला होता था, तो अगर ऑर्डरिंग दोज थिंग्स यूज टू बी अ ह्यूज थिंग इन इंडिया, तो आई मीन इट्स जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली फ्रॉम लाइक यू नो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हैव नॉट बीन एबल टू एंजॉय दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम ना चीज़ एक लग्जरी था, नाउ चीज़ इज लाइक एवरीवेयर बिकॉज हर जगह प्रोडक्शन हो रही है एंड एवरीथिंग एंड इट्स ऑल्सो क्वाइट चीप, तो लोगों को लगता है अरे अब तो हम चीज़ खाएंगे, एंड दैट्स लाइक यू नो सॉर्ट ऑफ ओवर कॉम्पनसेटिंग
कि नाउ वी आर ऑल्सो एबल टू एंजॉय दैट सॉर्ट ऑफ लग्जरी. आई सपोज दैट्स अ पर्सनल ओपिनियन बट आई थिंक दैट इज इट. काफ़ी ज्ञान मैंने दे दिया तुमको. अब हम डालेंगे इसमें थोड़े से बाकी के मसाले. सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें ज़रा सा नमक टू टेस्ट. इसके बाद है हरी मिर्च. The only thing I'm gonna put is a little food color, जो वो हमेशा डालते हैं और बोलते हैं इससे आपको कुछ नहीं होगा. मैं आएगा हल्का फूड कलर जिससे कोई इंफेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा. Who knows, but तो भगवान का नाम लेके हम डाल देते हैं थोड़ा सा फूड कलर. तो ये हमारी स्टफिंग कुछ ऐसी दिख रही है. अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से. एक्चुअली मैं ना हाथ से मिक्स करूँगा सो दैट इट्स ऑल इवनली मिक्स्ड एंड ऑल्सो लिटिल मैश्ड. और हाथ मेरे धुले हुए गाइस, टेंशन नॉट. चार बार ऐसे लग रहा है मैंने मीट मिंस करके रखा हूँ. मेरी मम्मी गोली मार देगी अगर उन्होंने देख लिया. मैं ज़रा सा टेस्ट करके देख रहा हूँ मसाला. इट्स नाइस. इट्स थोड़ा स्पाइसी है. आई थिंक शेज़वान सॉस थोड़ी ज़्यादा हो गई है बट इट्स नॉट बैड. इट्स फ्लेवरफुल एंड प्लस द थिंग इज आई थिंक जब ये पराठे में जाएगा आटे के बीच में सारा तो फिर वो फ्लेवर न्यूट्रलाइज हो जाएगा बिकॉज आटा तो इज फीका राइट. ना इस पराठे को बेल लेते हैं. गोल तो शायद मुझसे ना बेले. शायद इसीलिए मेरी शादी भी नहीं हो रही है क्योंकि मुझे गोल पराठे नहीं बेलने आते. बट ठीक है ना, राउंडिश स्क्वायर में क्या बुराई है. सगाई तक तो बात पहुँच ही सकती है एटलीस्ट. इन पराठों की हमेशा जो वीडियोज़ होती है ना उनमें ओवरलोड करते हैं चीज़ों को. मुझे बस ना ये थोड़ा लग रहा है कि ये बीट रूट की वजह से ना, ऑल दो मैंने निचोड़ ली थी बट बीट रूट की वजह से स्टिल थोड़ा सा ये पराठा गीला गीला है. तो टेंशन हो रही है बड़ी इसको ना बेलने के लिए. ऑलरेडी खुलना शुरू हो गया है तो द स्ट्रेस इज रियल गाइस. द स्ट्रेस इज रियल. ओह शिट, बहुत ही जल्दी खुल रहा है यार. ये तो बिल्कुल स्क्वायरिश स्क्वायरिश सा ही हो रहा है बट ना इसको उठा के ऐसे करने में फ्लिप मेरे को बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही अंदर से ना ऐसे लिम्प लिम्प सी भी आ रही है. जैसी भी शेप है इसकी उस पर मत जाना बट हो ही गया है. तो अब हम इसको किसी तरह तवे पर डाल देते हैं. इसे उठा के डालने में तो मुझे डर लग रहा है बिकॉज ये बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट है अंदर से. मैं ऐसे नहीं डाल रहा. आई विल जस्ट पलट दूँ क्या भगवान बचा लेना. ओ वाओ हो गया काम. थोड़ा सा बाहर हो गया बट पराठे की शेप से क्या फर्क पड़ता है. एंड में तो हमने खाना तो जैसे भी है वैसे ही है. तो या ये नक्शा जो है मैंने इधर डाल दिया और अब हम इसको पलट. ओह शिट, यहाँ खुल गया थोड़ा सा. बट देखो गाइस कितना रेड और ऑरेंज कलर का ये पराठा बना है. देख के तो कलर देख के तो एटलीस्ट अच्छा लग रहा है चाहे शक्ल देख के ना लगे. ये पराठा अपनी मम्मी को मत दिखाना, मेरे आते हुए रिश्ते भी कैंसिल हो जाएंगे फिर. मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा ऑयल और इसके बाद मैं इसमें डालूंगा अमूल बटर बिकॉज उसके बिना तो इनका सरता नहीं है काम. सो यस, दिस प्लस अमूल बटर. सो बेसिकली वी आर फ्राइंग द पराठे टुडे. देखो गाइस कितनी बढ़िया सिजल की आवाज़ आ रही है, मज़े आ गए. तुम्हें कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे. इस साइड को भी नहीं देखते थोड़ी देर, इस साइड को देखते हैं. वेरी नाइस, काफ़ी हद तक खुल गया है ये पराठा बट स्टिल नाइस. तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल क्यों रहे तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमूल बटर. आई मीन कोई भी बटर फॉर दैट मैटर. एंड देखो गाइस अपनी तरफ से मैं पूरी रेसिपी रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ विदाउट यू नो अपनी तरफ से मैं कोई लिहाज नहीं करता. चीज़ भी मैंने पूरा डाला है, मेयो भी मैंने पूरी डाली है, बटर भी मैंने पूरा डाला है. वाओ कितना एवरेज लग रहा है. चलो जी अब इसको हम निकाल के डाल देंगे इस मिडिल क्लास मेलामाइन प्लेट में जो ऑलमोस्ट हर किसी के घर में होती है. ऐसे मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं हर वीडियो पे जो मैं डालता हूँ, कभी इंस्टाग्राम की स्टोरियों में या कुछ भी. बट देखो टू बी ऑनेस्ट ये पराठा ब्यूटीफुल लुकिंग तो कहीं से नहीं है पहली बात. दूसरी बात ये इतना क्रिस्पी भी नहीं लग रहा बट आई एम श्योर टेस्ट तो ठीक ही होगा क्योंकि मैंने बनाया तो मुझे ऐसा बोलना ही पड़ेगा कि टेस्ट ठीक है. बट इसकी प्लेटिंग भी हम ऐसे नहीं करेंगे, उनके हिसाब से ही करेंगे जैसे
द पराठा सेलर्स डू। तो चलो मेरे साथ इसमें और कोलेस्ट्रॉल और फैट डालते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं मेयो ऊपर से, बिकॉज वो इसको पिज्जा जैसा बना देते हैं। और आजकल इंडिया में चाहे वो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स क्यों ना हो, सबके लिए पिज्जा की डेफिनेशन इज मेयो। अगर सस्ता बनाना है तो मेयो डाल दो, किसी को क्या ही पता चल रहा है। द टू पिज्जा जॉइंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट यू। चलो मैं इससे ज्यादा मेयो तो नहीं डालूंगा, मुझे घबराहट हो रही है, क्योंकि मैं इस पे डाल रहा हूँ सबका फेवरेट चीज। पराठे पे चीज और मेयो सब डाल दिया और हमने इसको काट लिया है। हमारा पिज्जा कटर मिल नहीं रहा था तो हमने चक्कू से बिहाइंड द सीन्स काट लिया, क्योंकि वो थोड़ा मेसी था, हम आपको दिखाना नहीं चाहते थे। बट एनीवे अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो प्लेटिंग के लिए हम इसके चार अनइवन पीसेस को ऐसे कैसेडियास की तरह लगा लेंगे। कहने में क्या जा रहा है कि कैसेडियास जैसे हैं। यूजुअली लोग इसको सर्व करते हैं विद दही एंड चटनीज। चटनीज हमारे पास कोई है नहीं इस वक्त, सॉस के साथ में पराठों के साथ ये जुर्म कर नहीं सकता, तो हम रख रहे हैं दही। ये जो डिश है हमारी ये हो गई है रेडी। तो अब हम अपने विक्टिम्स ढूंढते हैं जिनको हमें टेस्ट कराएंगे और जिन पे हमें अत्याचार करेंगे क्यूट सा। तो चलो। तो गाइज वैसे तो मुझे मास्टर शेफ लेवल जजेस चाहिए थे, बट वो अवेलेबल थे नहीं। तो जो वेली थी मैडम वो एक तो ये हैं और एक है इनकी मम्मी। मम्मी कहाँ हैं? तो भाभी कैसा लग रहा है आज आपको मेरे हाथ का खाना खाने को मिलेगा? हम तो पछता ही रहे हैं पिछले 8-9 साल से, आज आप पछताओगी 9-9.5 साल से। हाँ तो फिर कैसा लग रहा है आज के बाद? फिर वैसे ही मिलेगा जैसे हाल में खाऊंगी। मेरा तो बहुत ही लोडेड है देख लो, बड़ा अमीर खाना बनाया मैंने। ओ सैड, हमारा आज ये पराठा डाइटिंग भंग कर ही देगा आपकी, इतना स्वादिष्ट शक्ल से देखने में। प्लेट तो ला। कौन सी प्लेट? ये इसी में खाना है? हाँ खा लो, कभी खाया नहीं है क्या बड़े रेस्टोरेंट में? शिमला मिर्च कौन डालते हैं? ये क्या बाइट लिए है, थोड़ी बड़ी तो लो। ये गया दही में और ये गया मुंह में। ये छोटी वाली हरी मिर्च है, वो आपके आलू के मसाले में पहले से डली होगी। मसाला मेरा ही उसका है। कभी कहूँ इतना स्वाद कैसे? अच्छा अचानक से स्वाद हो गया ये। ये तेरा पराठा इतना रेड कैसे हो गया? इसमें एक तो बीटरूट है जो वैसे पराठों में हम यूजुअली नहीं डालते, पर इन्होंने डाली है। और इसमें सबसे फेवरेट चीज जो है वो है फूड कलर गाइस, इससे आपको कुछ नहीं होगा। फूड कलर डाला है जिससे कोई इंफेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा? केचप भी डली? नहीं नहीं डली। लग रहा है ऐसे जो डालते हैं ना दाल चावल में भी केचप, उनको हर जगह केचप ही दिखती है। हाँ गाइस ये डालती है सच्ची। तो फिर अब बताओ 10 में से ऑनेस्ट नंबर। दाल चावल में नहीं डालती मैं, पास्ता में डालती हूँ। हे भगवान, हमारे घर का पास्ता इतना सैड होता है ना गाइस। पुलाव में और लेकिन मैं भाभी बस यार लोगों को मत बताओ हम क्या खाते हैं अजीब सी चीजें। 10 में से 7 तो काफी मिल गया भाभी, मैं तो आपके खाने को 4 ही देता हूँ फिर। चल सुनारा तू भी टेस्ट कर ले, है तो तू भी हमारी जज ही। खा ले आज यही खा ले, मैं ही हो जाऊं। नाटक देख लो इसके। दो खा ले, दो कल स्कूल के लिए पैक कर दूंगी। ये क्यों खा ली, ये तो कल देने आएंगे। मैंने खा समय मेरे रूम में टीवी देखना तो बता दे कैसे जल्दी। 10 में से ठीक है गाइस, कोई अच्छे नंबर तो नहीं है बट तो बेसिकली मेरा एवरेज जो टोटल बना है वो ग्रेस मार्क से मैं पास हुआ। सच्ची बुरा तो नहीं है, शेजवान सॉस अच्छी लग रही है पराठे में फॉर आई मीन इट्स वेरी सरप्राइजिंग बट यार मैं तो खुद को 10 में से शायद 12.5 भी दे दूं, बट दूंगा नहीं क्योंकि पराठे की शक्ल की वजह से मैं उसे जज कर रहा हूँ। और I'll give it a 10 में से 7.5। If you like spicy, आप लोग ये try कर सकते हो शेजवान सॉस डाल के, and it's not that bad, okay? Cheese वैसे भी makes everything good. By the way, guys, ये किचन की हालत देख लो, मेरी मम्मी आ जाए इससे पहले मैं ये सब समेट देता हूँ, इससे पहले मुझे झाड़ पड़ जाए ये वीडियो बनाने के लिए। तो जितने कमेंट्स में तारीफे तुमसे नहीं मिलेंगी मुझे, उतने मेरे को गालियां मिल जाएंगी घर में, तो मैं लगता हूँ काम पे। वो पराठा बन चुका है, पराठा खाया गया है, पराठे की बेइज्जती भी हो चुकी है और मैंने खुद की तारीफ भी कर ली है। तो बेसिकली ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। आई जस्ट थॉट कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ, कुछ फन ट्राई करूँ। और बहुत टाइम से मैं ये वीडियोज देखता हूँ और मैं
स्पेशली पराठों वाली वीडियोस पे तो बहुत ट्रिप करता हूँ. आई नो मेरे पराठे दिखने में और टेस्ट में आई एम श्योर लाइक ऐसे 10% भी उनके पास नहीं होंगे बिकॉज दीज वुमेन एंड दीज पीपल मेक सच अमेजिंग थिंग्स. एंड आई जस्ट हैव लाइक अ स्मॉल थिंग टू से कि बहुत लोग ना जैसे कॉमेंट सेक्शन में लड़ने लग जाते कि इतना चीज अनहाइजीनिक ये वो. आई गेट इट. आई मीन एंड यू नो इट्स नॉट फीडिंग ऑल ऑफ अस. इट हैज अ मार्केट. इन लोगों की अपनी मार्केट है, अपनी क्लाइंटेल है एंड अगर उनको प्रॉब्लम नहीं है तो आई थिंक हमें भी नहीं होनी चाहिए. प्लस लाइक दे आर जस्ट लाइक ट्राइंग टू सस्टेन देमसेल्व. सो आई मीन हम थोड़े काइंड तो हो सकते हैं. इफ यू डू नॉट अग्री विद इट मत देखो, स्क्रोल कर दो, बट कॉमेंट्स में बुरी चीजें मत लिखा करो. ऑल्दो आई एम श्योर इन लोगों के पास नहीं पहुंचती बिकॉज फूड ब्लॉगर्स की वीडियोज होती हैं तो कॉमेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता उनको. बट या आई मीन क्या करना है कि मैं इससे अच्छा घर पे बना सकती हूँ 250 रुपए में एंड ऑल दैट. इट्स जस्ट अ लिटिल नेगेटिव एंड आई एम सॉरी इफ यू फील बैड अबाउट इट. इट्स जस्ट लाइक माई 2 सेंट्स ऑन इट. एंड या होप यू हैड फन इन दिस पुअरली शॉर्ट वीडियो. एंड आई हैड फन, आई नो दैट. आगे मुझे कुछ अजीब से ऐसे कारनामे करने के लिए आइडियाज दो एंड आई डेफिनेटली विल ट्राई इट आउट. एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू डिड प्लीज लाइक इट. Please subscribe to my channel. It'll be a great help and I will try to keep churning more videos for you. Okay, bye.